मरते दम तक शरीर की कोई भी बीमारी नहीं होगी। एडी से लेकर चोटी तक की सारी बीमारियों को चाट जाएंगे ये टुकड़े। बस आपने इनको पानी में उबाल कर पीना है और देखते ही देखते आपके शरीर की सारी बीमारियां हो जाएंगी बिल्कुल जड़ से खत्म। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको आयुर्वेद की एक ऐसी दिव्य औषधि के बारे में बताएंगे दोस्तों, जिसका प्रयोग करके आप अपने पूरे शरीर को, सिर से लेकर पैर तक के पूरे शरीर को बिल्कुल निरोगी बना सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। इस नुस्खे को लेने से आप अपने शरीर की इम्यून पावर, रोगों से लड़ने की शक्ति को बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं, अपने पाचन को मजबूत कर सकते हैं जिससे कि आपको पेट का कोई भी रोग ना हो, कब्ज, एसिडिटी और पेट की गैस जैसी समस्याओं से आप बचे रहें। यदि आपको शुगर की बीमारी है तब आपका वो शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल में बना रहे और आप इस डायबिटीज की बीमारी के कॉम्प्लिकेशन से बचे रहें। आपके शरीर में खून की कमी दूर हो और खून की सफाई भी हो जिससे कि आप कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारी, हार्ट ब्लॉकेज और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से बचे रहें। दोस्तों आपको जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द का कभी सामना ना करना पड़े, आंखों की रोशनी आपकी बढ़ जाए, अनिद्रा की समस्या दूर हो जाए। दोस्तों आज हम आपको ऐसी ही एक दिव्य औषधि के बारे में बताएंगे जो आपके लिए ये सभी काम करेगी और आपके पूरे शरीर को निरोगी बनाने का काम करेगी। आज की इस वीडियो की जो मुख्य औषधि है वो है दोस्तों गिलोय। और दोस्तों गिलोय के फायदों को कौन नहीं जानता। गिलोय को आयुर्वेद की महाऔषधि के नाम से जाना जाता है क्योंकि गिलोय के अंदर वो सभी गुण मौजूद हैं जो आपके पूरे शरीर को बिल्कुल निरोगी बना सकते हैं। और दोस्तों आपने क्या करना है, गिलोय को टुकड़ों को सिर्फ पानी में उबालकर सेवन करना है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपने इस नुस्खे का सेवन कैसे करना है। दोस्तों आपने क्या करना है, ये गिलोय की जो लता लेनी है, आप पत्ते का सेवन भी कर सकते हैं या लता भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप पत्ते का सेवन करें तो हर रोज सुबह खाली पेट एक पत्ते का सेवन करें। और यदि आप इस लता का सेवन करना चाहते हैं, और सबसे बेस्ट लता का सेवन ही होता है, आपने इस लता को लेकर इसके टुकड़े कर लेने हैं जैसे कि हमने ये कर लिए। आप इन टुकड़ों को अच्छी तरह से धोकर साफ कर लीजिए, उसके बाद दो गिलास पानी लीजिए जैसे कि ये हमने लिया, और इनमें इन टुकड़ों को डाल दीजिए और इस पानी को आग पर उबलने के लिए रख दीजिए जैसे कि ये हमने रख दिया। और आपने इस पानी को तब तक उबालना है जब तक कि आपने दो गिलास पानी लिया था और वो उबल उबल कर एक गिलास न रह जाए। और जब यह पानी उबल उबल कर एक गिलास रह जाए तब आपने इसका सुबह खाली पेट ऐसे ही हल्का गर्म ही सेवन करना है। आपने इसमें कोई भी मीठे का प्रयोग नहीं करना है, आपने इसका सेवन ऐसे ही करना है। और दोस्तों ये आपके पूरे शरीर को बिल्कुल निरोगी बना देगा। दोस्तों इस नुस्खे का किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, यानी इस नुस्खे को कोई भी व्यक्ति ले सकता है और अपने शरीर की बीमारियों का इलाज कर सकता है। सर्दी, जुकाम, खांसी जैसी बीमारियां दूर हो जाएंगी। जिनके अंदर कफ जमा होता है, जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उनकी भी ये समस्या का इलाज है। उनके कफ को बाहर निकालने का काम करता है, आपके पूरे शरीर को निरोगी बनाने का काम करता है। तो दोस्तों देर किस बात की है, आप भी इस नुस्खे को आज ही अपने घर पर बनाएं और इसका प्रयोग करें और अपने शरीर को बिल्कुल निरोगी बना दें। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।